वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी ट्रिकी मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन यानी कि मंडे टू सैटरडे रात्रि के 8 बजे से आपकी ट्रिकी मैथ की क्लास होती है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के कुछ ट्रिकी सवाल। जैसे कि आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को उसमें काफ़ी दिक्कत होती है और आप जो है वो इस तरह के क्वेश्चन करने में कर तो लेते हैं लेकिन टाइम बीत जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कम से कम समय में कैसे हो, कुछ इसी तरह की ट्रिक हम लेकर के आए हुए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस क्लास को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसे दिया गया है, संख्या 50 का 20% कितना है। वैसे तो आप सभी नॉर्मली अगर जोड़ेंगे तो जान जाएंगे कि 50 का 20% कितना होता है, ये सभी गुणा गणित कर लेंगे। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है, आपको टिक करना होता है, उस समय आपकी बुद्धि नहीं काम करती है। तो आप इसमें ट्रिक लगाएंगे, एक्स का वाई प्रतिशत बराबर, जो ये ट्रिक होती है, एक्स इंटू वाई अपान 100। बहुत ही आसान है। यक्स क्या है? जिस संख्या का प्रतिशत पूछा जाए और वाई वो मान होगा जितना प्रतिशत कहा जाएगा। जैसे कि यक्स का वाई प्रतिशत का मतलब हुआ 50 का 20%। तो आप यक्स की जगह पर रख देंगे क्या 50 और वाई की जगह पर क्या रख देंगे 20। अगर आवाज में कुछ दिक्कत है तो बता दीजिएगा। वैसे तो लगभग सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना? तो चलिए हल कर लेते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें पहले का जवाब कितना होगा। हो गए सभी के आंसर? दूसरा तीसरा सभी का जवाब कमेंट कर दीजिए जिन लोगों को आ रहा है, जल्दी करें। और फिर हम इधर हल करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि पहला सवाल अगर मैं हल करता हूं और इसमें से एक सवाल मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं हल करने की, तो बीच में हम आपको हल करके दिखाएंगे, ठीक है? देखिए उधर साइड में अभी हम ये सवाल आपको फिर से देंगे। पहले सवाल का अगर हम आपको हल दिखाएं तो ये आप ट्रिक लगाएंगे, यक्स का वाई प्रतिशत इक्वल यक्स इंटू वाई अपान 100। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है, एक्स और वाई का मान रख देना है। एक्स का मान आप रख देंगे 50 क्योंकि देखिए 50 दिया है, का वाई प्रतिशत मतलब ये 20 और ये हो गया 100। काट दीजिए तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और ये 5 से कट जाएगा, आ जाएगा 10। कुल मिलाकर के टोटल आ गया 10%, यानी कि 50 का जो 20% है वो कितना आएगा, सॉरी 10 होगा, मतलब यहाँ प्रतिशत नहीं होगा क्योंकि ये प्रतिशत में तो मान है ना। तो 50 का 20% क्या होगा, 10 होगा। 50 का 5% 5 होगा। अगर इसे रुपया में ले लें तो 50 का 20% 10 रुपया होगा, 50 का 5% कितना होगा, 5 रुपया होगा। 50 का 5% 5 होगा, तभी तो 5 × 50 होता है ना। तो अब आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस तरह से दूसरा सवाल देखिए, संख्या 1000 का 50% का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए 200, 250, 500 या फिर 900। लगभग सभी लोग इसको जानते हैं मौखिक तौर पे भी, क्योंकि 50% का मान आप जानते हैं किसी भी संख्या का आधा होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, 1000 का जो 50% है वो कितना आएगा, 500 आएगा। इसका उत्तर तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। अगर इसे हम हल करें तो क्या होगा, हमारी ट्रिक बनती है यही, एक्स इंटू वाई अपान 100। तो यक्स का मान मतलब जो संख्या है वो, और वाई का मान जितना प्रतिशत कहा जाए, 100 से भाग दे देंगे, ये 2 जीरो कट गया, 10 का जब गुणा हो जाएगा 50 में तो ये आपका 500 हो जाएगा। ये 2-3 सवाल आप समझ के होंगे। तो हम आपके लिए कुछ और भी सवाल यहाँ पे लिखते हैं। आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे और फिर उसका हम राइट आंसर भी देखेंगे। देखते हैं कौन कौन सबसे पहले जवाब देते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा, जो भी हो। संख्या 70 का 30% का मान कितना होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आएगा। जो ऑप्शन आपके सामने है वो है 20, 23, 21, 99। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर से नहीं मतलब है, आप लोग अपने आंसर को बताएं, बस आपका अभ्यास होना चाहिए। यहाँ पे सवाल नंबर चाहे तो हम 4 लिखें या 8 लिखें, कुछ भी लिखें, बस आप लोग क्वेश्चन का मतलब समझें और तरीका समझें। एक सवाल और देंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल, नहीं तो टाइप बदल जाएगा। ये है 130 का 90% क्या होगा।
जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अभी आपके लाइव कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है, बस थोड़े दिन ना ये जो पब्लिश वीडियो होता है इसका जवाब नहीं मिल पाता है। उसके अलावा लाइव होने लगेगी आपकी तो सभी जवाब तुरंत मिलेंगे। आप लोग जो कमेंट करते हैं सभी कमेंट देखे जाते हैं हमारे द्वारा, बस आपको हम तुरंत नहीं बोल पाते, अभी थोड़ा दिन के लिए है बस, ठीक है ना। तो कमेंट अवश्य करें, जो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं वो देखिएगा, 190, 117 और देखिएगा 153, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही है जल्दी से बताएं। हो गए सभी के कमेंट। तो ट्रिक क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया x का y प्रतिशत, ये ट्रिक होती है x इंटू y 100, इसे सभी लोग जानते हैं। यही छोटी सी ट्रिक आपको लगाना है, x का मान रखना है जो पहले दिया है, y का मान रखना है जो प्रतिशत में दिया है, और 100 को 100 रख देना है, एक जीरो दो जीरो नीचे से, दो जीरो ऊपर से, आ गया 21, है ना कितना आसान ट्रिक। कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको ये क्लास। अभी और क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले इस क्लास को लाइक अवश्य कर दें। अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी क्लासें मिलती रहे। जी बिल्कुल ना भूलें, x का मान रख दीजिए 130, y का मान 90, 100 से भाग दे देंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 13 × 9 = 117। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, आपको पहाड़ा की ट्रिक भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको, एनी डाउट, नहीं संकोच, आप कमेंट करें। और ऊपर दिखाए गए नंबर 9793488448 पे संपर्क करें, आपकी सभी समस्या को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए क्लास बनाएंगे, जिस टॉपिक पे ज्यादा सवाल होते हैं उस टॉपिक को शामिल किया जाता है। तो एक नया सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, संख्या 30 का 50% का कितना प्रतिशत है, मतलब सवाल बड़ा अजीब सा है, ध्यान दीजिए, संख्या 30, संख्या 50 का कितना प्रतिशत, देखिए जस्ट उसी का उल्टा है जो अभी आपने सवाल देखा, उसी का जस्ट उल्टा सवाल है ये, बिल्कुल हल्का सा उल्टा है बस। इसके लिए आप क्या ट्रिक लगाएंगे, ऑप्शन आपके सामने जो है मैं उनको दिखा रहा हूं, ऑप्शन आप लोग जो इसमें दिए गए देख लीजिए। प्रतिशत में पहला ऑप्शन आपको दिया गया 45% है, 60% है, 75% है, 90% है। इसमें जो आप ट्रिक लगाएंगे इन सवालों के लिए, x अपान y इंटू 100, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। यदि कहीं ऐसे दिया जाए, क्या संख्या x का y, संख्या x y का कितना प्रतिशत है, मतलब समझ रहे हैं ना, संख्या ये टाइप हो जाएगा सवाल का, संख्या x y का कितना प्रतिशत है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लीजिएगा, ये ट्रिक आप इतना लगाएंगे जितना मैंने घेरा हुआ है, x अपान y इंटू 100, तो रख दीजिए इसी में मान, आपका उत्तर आ जाएगा, x का मान आप पहली संख्या रखेंगे, y का मान जो दूसरी संख्या है, तो ये हो जाएगा 30 बटा नीचे 50, ये गुणा कर देंगे 100 से, 50 दूना 100, ये हो जाएगा 30 गुणा 2, टोटल 60 आ जाएगा। अगर आपको एनी डाउट है निसंकोच कमेंट करें, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता है तो कमेंट करेंगे, नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे, आपको टेबल की ट्रिक बता दी जाएगी, और ऐसी ट्रिक जिससे आपको कुछ भी रटना नहीं होगा। एक बात ध्यान देना है कि गणित जो है वो रटने वाला चीज नहीं है। आपने वो कहानी तो सुना होगा ना कि पढ़ते हैं सागर के इतना और याद होता है नदी के इतना, है ना, यानी कि जब पेपर में जाते हैं तो कितना बचता है, चिल्लू भर। तो बस वो कहानी सिद्ध ना हो, इसके लिए आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं। एक सवाल और, जैसे कि संख्या 190, संख्या यानी कि 190 जो है, इसको मैं अगर थोड़ा से अच्छे से लिखूं, संख्या 190 संख्या 50 का कितना प्रतिशत है, होगा ही नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसमें मैं आपको कुछ इससे बड़ा नंबर दे देता हूं, तीन सौ अस्सी,
जल्दी से बताइए, संख्या 190 जो है वो संख्या 380 का कितना प्रतिशत है? जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट करके फटाफट। पहला ऑप्शन 45%, दूसरा 60%, तीसरा 95% है, चौथा है 99। जी सवाल नंबर 7वां का सही जवाब दीजिए और जल्दी करें, देखते हैं कितने लोगों के सही उत्तर आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग 2 से अधिक ट्रिक समझ गए होंगे इस क्लास में, है ना? तो संख्या 190, संख्या 380 का कितना प्रतिशत है? इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं हमारे समझ से। कैसे? देखिए इसका ट्रिक क्या होती है, संख्या x संख्या y का प्रतिशत बराबर x अपान y इंटू 100। ये होता है, हल्का दिख रहा होगा तो बताइएगा। x का मान पहली संख्या हो जाएगी यानी कि 190, और ये 380 रख देंगे। y का मान जो है वो दूसरी संख्या हो जाएगी, समझ रहे ना? बस आपका उत्तर हो जाएगा, तो फटाफट रख देते हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है। ये 380, 380 और ये गुणा हो गया 100, काट दीजिए, 0 से 1 0 कट गया। इसको अगर हम 19 से काट दें तो 19 दहम्मा 190, और ये 19 दूना कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। मैंने 1 0 से 1 0 काट दिया, मतलब नीचे से ऊपर 1 0 काट दिया, उसके बाद 19 से इसको काटा, 19 दहम्मा 190 और 19 दूना 38। अब आप इसे 2 से काट करके कर सकते हैं, 2 5 10, है ना? अब 5 का गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 50, और ये 50% है। इसे आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। 190 जो है वो 380 का कितना प्रतिशत है? अगर आप सिंपल में देखें तो 190 दूना 380 होता है, यानी कि ये जो है इसका क्या है, आधा है। आधा है मतलब 50%, है ना? समझ गए? तो मित्रों ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, कुछ टाइम का अभाव है। वैसे आपकी जब लाइव शुरू हो जाएगी, जल्द ही हम ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन लगवा रहे हैं, और जैसे ही ये सिस्टम बन जाएगा वैसे आपकी लाइव क्लास सभी होने लगेंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छे ढंग से, 1-1 घंटे की क्लास होंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना धैर्य बनाए रखें और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अनअकैडमी पर फॉलो करें। पीवीआर स्टडी के अदर यूट्यूब चैनल जैसे कि मैथ आसान है, पीवीआर स्टडी ग्रुप, इन्हें सब्सक्राइब करें। पीवीआर स्टडी को फेसबुक पेज पर लाइक करें, यानी कि फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिससे कि आपको सभी क्लासें मिल सकें। आप इन क्लासों को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर ऊपर आपको लिंक दी गई होगी, वहां से आप हमसे डायरेक्ट यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं और वहां कंप्लीट कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल और पढ़ाई से संबंधित अपनी किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com। आपकी सेवा के लिए ऑल टाइम उपलब्ध। अगर आपको इन वेबसाइट पर या चैनल में कोई समस्या होती है तो इन 2 नंबरों पर या इस नंबर पर भी आप ऑल टाइम संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस क्लास को मित्रों में शेयर अवश्य करिएगा, ये हमारी आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी। और इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।